सीवान में कैदियों के हौसले बुलंद, रिमांड होम में बंद होने पर भी करते हैं लूटपाट, फिल्मी अंदाज में घटनाओं को देते हैं अंजाम, लूटपाट करने के बाद लौट जाते हैं रिमांड होम, सीवान के शातिर अपराधी। सिवान में आजकल फिल्मी अंदाज में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब सर्जिकल दवा दुकान पर लूटपाट मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सफलता को इसलिए भी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इस वारदात के तार छपरा रिमांड होम से जुड़े हुए हैं। बता दें कि सभी अपराधी छपरा रिमांड होम में बंद हैं। फिल्मी अंदाज में कैदी 2 घंटे के लिए रिमांड होम से बाहर निकलते हैं और घटना को अंजाम देकर वापस रिमांड होम छपरा लौट जाते हैं। इस घटना के बाद छपरा रिमांड होम के अधिकारियों समेत उसके सभी स्टाफ संदेह के घेरे में आ गए हैं। सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि छपरा रिमांड होम में बंद रॉबिन, ऋषभ, राज और करण यादव के साथ साथ सिवान के शाहिद और महेश की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है। वहीं इस घटना में पुलिस ने पुराना किला निवासी शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। नगर थाना कांड संख्या 182/18 दिनांक 26/3/18 को एक दवा व्यवसायी को लूट के क्रम में गोली मारी गई थी। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था एएसपी के नेतृत्व में। अनुसंधान और छापेमारी के उपरांत शाहिद अहमद उर्फ राजा पिता अंसारुल हक जो कि पुरानी किला के निवासी है उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना में महेश फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने रॉबिन, करण और ऋषभ को रिमांड पर लेने के लिए भी कोर्ट में आवेदन दिया है। गौरतलब है कि रॉबिन और करण यादव पिछले साल हुई हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त हैं, जबकि ऋषभ राज महराजगंज में चाकू मारकर की गई एक युवक की हत्या का नामजद अभियुक्त है। एसएसपी ने कहा कि लूटपाट के इरादे से ये लोग आए थे। उन्होंने बताया कि रिमांड होम से उस दिन जो छपरा में रिमांड होम है वहाँ से 3 लोग रॉबिन महतो, ऋषभ राज और करण यादव 8:45 पे जो लिच्छवी है उससे सिवान पहुँचे थे रात में। ये टिकट भी जब्त किया गया है रिमांड होम से, तो वहाँ से उनके पास से ये टिकट भी मिला है और वो लोग आए 8:45 पर। उसके बाद पहले से ये प्लानिंग थी। रॉबिन महतो भी यही महादेवा का निवासी है, पहले से प्लानिंग थी और उसी के तहत बाहर से आए 2 लोग जिसमें एक जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जिसके सर पे कम बाल हैं और एक अन्य जिसको ये पहचानता नहीं है इन दोनों को, वो लोग थे। और उसके साथ ऋषभ राज जो कि रिमांड होम में था और उसकी पहचान इसने कर ली है कि वो संभवतः ऋषभ राज था, और एक महेश कुमार जो कि टाउन का है। इन्होंने मिल के ये लोग बाहर गए और 3 लोग अंदर गए और वहाँ पे लूट के क्रम में दवा व्यवसायी को गोली मारी। एसपी ने बताया कि इस मामले में रिमांड होम के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। ये काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक और गंभीर मामला है। जब ये बात पता चली तो हम लोगों ने वहाँ से जाके पता कराया तो सही में ये लोग रिमांड होम में सामने भागे थे रिमांड होम से, और वहाँ से वापस ये लोग रात में 2 बजे के आसपास वापस गए थे। इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो गई थी दूसरे दिन, और जब वहाँ पे पूछताछ किया गया तो उससे पूरा लिंक खुला जो भी इस कांड में किया गया था। और उसके बाद शाहिद को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई पूरा मामला सामने आ गया। इस घटना के बाद जहाँ एक और रिमांड होम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदेहास्पद है, तो वहीं अपराध पर लगाम लगाने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।